Thank you so much. It's such an honor to be here in the presence of every one of you here. You know, for me, this is an unbelievable celebration. I was in fact telling all the people here that this must get into the World Guinness Book of Records. I've never seen anything like this. It is an unbelievable experience for me personally, and the experience has been divine, joyful, blissful, and a happy, loving experience. And thank you so much for having me here this evening. Namaste. Namaste Acharya Shri Rakesh Prasad Ji Maharaj. Pranam. Gyan Jivan Swami Kundal Ji. नित्य स्वरूप स्वामी सरदार जी, चेयरमैन श्री देव स्वामी जी, कोठारी श्री संत स्वामी जी, वंदनीय आदरणीय श्री माधव प्रिय स्वामी जी और सुखदेव स्वामी जी, सभी महान संत और ब्रह्मचारी जिन्होंने अपनी जिंदगी भक्ति, ध्यान, योग और सेवा में बिताया है, उन सबको हमारा प्रणाम। आप हमें क्षमा करें, हम दक्षिण भारत देश से हैं, इसलिए हम असंपूर्ण हिंदी में ही आपसे बात करेंगे। जब मुझे कहा था कि मैं हिंदी में बात करना है, मैं हिंदी 12th grade सेकेंड लैंग्वेज था मेरा, और 12th ग्रेड फाइनल एग्जाम्स के लिए भी इतना प्रिपेयर नहीं हुआ मैं। जो 2 दिन मैंने प्रिपेयर किया, मैंने सोचा था कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं स्क्रिप्ट को नहीं देखना है मुझे, मगर मुझे कहा था कि लोग यहाँ पूरा हिंदी हैं, तो मैंने सोचा हिंदी में बात करेंगे तो हमारा मैसेज कनेक्ट होगा, इंग्लिश में बात करेगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैंने हिंदी में टॉक रेडी कर कर आपके लिए मैं हिंदी में बात करूंगा, अगर कोई गलत है तो माफ करिए। और यहाँ की सभी स्वामीनारायण भक्त जो अपने निष्ठा और योगदान से मानव कल्याण कर रहे हैं, आप सबको हमारा नमस्कार। हम वड़ताल धाम की महान दैविक शक्ति को अपने कण कण में महसूस कर रहे हैं, जो भगवान स्वामीनारायण जी ने खुद बनाई है। हम आप सबको सम्मान करते हैं, जो पेड़ों की, जानवरों की, इंसानों की और भगवान की सेवा सदियों से करते रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण संस्थान और वड़ताल धाम ये दिखाता है कि हिंदू धर्म दुनिया के लिए क्या कर सकता है। ये 200 साल का महोत्सव, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई When I was, मुझे डेट्स दिया था और मैंने इस डेट को चुना 13th. After I came here, I came to know that today is the 200th anniversary of Vadtal. My wife, Shri Preeta Ji, she actually chose the date that you go on 13th. And I think it is Bhagwan Lakshmi Narayan Ji's blessing that first time I am coming to Vadtal and he wanted me to come here on the 200th anniversary. So I feel I am very blessed to be here with you on this special day. ये 200 साल का महोत्सव हर भारतीय और हर हिंदू के लिए गर्व की बात है। हमें विश्वास है कि हम सब आगे बढ़कर भारत में और दुनिया में सनातन धर्म की महिमा और भी बढ़ाने के लिए सेवा करेंगे, और आपके साथ मिलके करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। पहले कुछ पलों के लिए हम ध्यान करेंगे। करेंगे? कृपया अपनी आंखें बंद करें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाइए और अपना दिल में भगवान स्वामीनारायण जी का स्मरण करें और प्रणाम करें। अब उन सभी महान को और सेवा रतियों को याद करें जिन्होंने इन सुंदर क्षण को आपके लिए संभव बनाया और उनको अपना आभार व्यक्त करें। अब आपने अपनी आंखें खोल सकते हैं। हिंदू धर्म एक महान सागर है जिसमें कई संप्रदाय हैं। हम मुक्ति संप्रदाय से हैं जो हमारे पूज्य माता पिता श्री अम्मा और श्री भगवान ने स्थापित किया था। हम और हमारी पत्नी श्री प्रीता जी वन्नस की इस महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य दुनिया में 80,000 लोगों को जीवन मुक्त बनाना है। ऐसे लोग जो स्थितप्रज्ञ बन के जी सकते हैं और उस स्थिति से समृद्धि पैदा कर सकते हैं जिसे वे दूसरों की मदद कर सके। हम मानते हैं कि जब 80,000 लोग महाकरुणा, महाशांति और एकत्व की मुक्ति स्थितियों में जीने लगेंगे तब मानव चेतन में एक बदलाव आएगा। मानवता का सोच अलगाव से एकता की ओर बढ़ेगा। इसीलिए हमने एकम बनाया जहां साधक मुक्ति के ओर बढ़ने के लिए ध्यान कर सकते हैं। 100 से ज्यादा देशों के साधक यहां आते हैं। हम आप सबको एकम क्षेत्र जो चेन्नई और तिरुपति के बीच में है वहां आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। हमारी बेटी और हमारे शिष्य एकम के आसपास के गांव में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। वहां ऐसा गांव बना रहे हैं जहां लोग खुश हैं, जाति के आधार पर विभाजन नहीं है और सेल्फ सफिशिएंट है। हमारी बेटी का सपना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इनमें से सबसे बड़ा गांव को उद्घाटन करें ताकि देश के गांव में क्या हो सकता है ये दिखाया जा सके। चलने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक सिद्धांत और एक वैश्विक नियम या यूनिवर्सल लॉ और एक शांतिशाली ध्यान सिखाना चाहते हैं। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सिद्धांत है। आप सभी किसी भी समय केवल दो अवस्थाओं में रहते हैं। आप या तो दुख की अवस्था में हैं या बिना दुख की अवस्था में, और कोई तीसरी अवस्था नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि तीसरी अवस्था नहीं है, सिर्फ दो ही है, दुख या ना दुख का। दुख की अवस्था क्या होता है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? गुस्सा, स्ट्रेस और टेंशन, तनाव, भय, अकेलापन और निराशा, ये सब दुख का स्थिति होता है। या आप एक मनोहर आंतरिक अवस्था में हैं, जैसे खुशी, शांति, प्रेम, कृतज्ञता, करुणा। या आप दैविक अवस्था में भी हो सकते हैं, जैसे प्रेमानंद, समर्पण या निष्काम प्रेम की स्थिति। आप जीवन मुक्त अवस्था में भी हो सकते हैं, जैसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि या एकत्व। तो आज पूरी दिन आपकी अवस्था क्या रही? जब आप उठे, जब आपने अपने पति, पत्नी, बच्चे या माता पिता से बात की, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई, आपकी मन की स्थिति क्या थी? दुख या ना दुख, सफरिंग या नो सफरिंग स्टेट। हम चाहते हैं कि आप इसको याद रखें। आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय यह है, किस अवस्था से मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं, किस अवस्था से मैं अपनी हर समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां आपको यूनिवर्सल लॉ को समझना चाहिए। जब भी आप दुखी की स्थिति में होते हैं, आप अपने जीवन में समस्याओं को इनवाइट करते हैं। आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपका जीवन समस्याओं के लिए खुला है। जब भी आप बिना दुख की अवस्था में होते हैं, आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप समाधान या चमत्कार के लिए तैयार हैं। अगर मनोहर अवस्था की स्थिति 100 के बराबर है, तो दैविक अवस्था की स्थिति, शक्ति 10,000 के बराबर है, और मुक्ति स्थिति की शक्ति 1 करोड़ के बराबर है। याद रखिए, भगवान का अनुग्रह तभी हो सकता है जब आप दुख से मुक्त हो जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपको एक छोटी सी ध्यान साधना में ले जाएंगे, जिससे हर देश विदेश के लोग तनाव और दुख से बाहर आने के लिए करते हैं। इस ध्यान साधना का नाम है सेरीन माइंड। ये साइंटिफिक है। आपका ब्रेन में स्ट्रेस को क्रिएट करने वाला एक बाग होता है, जिसका नाम है अमिग्डला। ये बाग जब आपके ब्रेन में बहुत एक्टिव हो जाता है, तो आपको भय, टेंशन, गुस्सा जैसे भावना आसानी से आते हैं। सेरीन माइंड आपकी अमिग्डला को शांत करते हैं और आपका मीडियल प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स को, जो हमारे आग्नेय चक्र से जुड़ा है, उस भाग को एक्टिव करता है। इस साधना करने में केवल 3 से 5 मिनट लगता है। जब भी आप टेंशन या स्ट्रेस या कोई भी दुख की स्थिति मन में आए तो वहां से उठिए और सेरीन माइंड की साधना करिए। तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। ये सैकड़ों लोग का अनुभव है। यहां आप सब शांत के लिए डिजायर करते हैं, शांत चाहिए नाम सबको। तो ये शांत हमारा ब्रेन का रिलेटेड है। तो ये मेडिटेशन आपको 3 से 5 मिनट बस शांत में ले जाएगा, ब्यूटीफुल स्टेट में ले जाएगा। शुरू करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। पीठ सीधा रखें और आंख बंद करें। हाथों को अपने जांघों पर आकाश की ओर देखते हुए रखिए। 3 बार दीर्घ श्वास लीजिए और खुद से प्रश्न करिए, अब मेरा मन कौन सी अवस्था में है? दुख या दुख बिना अवस्था? कौन सी अवस्था है? इरिटेशन, तनाव, कंफ्यूजन, भय, शंका, क्रोध, या शांति, आनंद, कृतज्ञता, प्रेम, विश्वास? कोई भी भावना हो उसको साक्षी बनकर देखिए, बदलने की कोशिश मत करिए। अब देखिए आपका मन किस काल में है। किस काल में भ्रमण कर रहा है? भूतकाल में या भविष्य के काल में या वर्तमान में? पहचानिए, वही काफी है। अब आपके कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को अपने आईब्रोज के बीच लाइए। वहां एक छोटी सी ज्योति को महसूस करें। और उस ज्योति को वहां से दिमाग के बिल्कुल बीच भाग में जाते हुए देखिए। See that flame glowing in the middle of your head. धीरे से एक मुस्कान के साथ अपने आंखें खोलिए। ये ध्यान आप कोई भी हालत में कर सकते हैं। ये आपको शांति की स्थिति में ले जाएगा और वहां से जब आप डिसीशंस करेंगे आपका जीवन बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आपका शांति स्थिति भगवान के अनुग्रह के लिए तैयार होगा। भगवान का अनुग्रह जब भी हमारा जीवन में आ सकता है, जब हमारा स्थिति सुंदर हो। इस सेरीन में ध्यान को आप हमारे एकम वेबसाइट या यूट्यूब में सीख सकते हैं। आप सबको मिलकर बहुत खुश हुआ। इट्स सच अ ऑनर टू बी हियर विथ ऑल ऑफ यू इन वर्थाल। आई मस्ट से दैट आई हैव बिकम अ रेविंग फैन ऑफ वर्थाल. I will be definitely coming here more and more. It's moved me and it's touched me beyond words, the love, the kindness and the affection shown by all the people here, the entire organization. I will never forget it in my life and I'm very grateful for that. इस स्टेज पर बैठे सारे संतान को, महान को हमारा